जी हेलो फूलों वाली मिस्टर चादर दिखा रहे हैं आप मुझे है? सर, मेरा प्रश्न ये था कि आवाज आ रही है आपको मेरी? कहां से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान जयपुर से। खम्मा अच्छा, खमा घड़ी सा यही बोलना था। घड़ी खमा घड़ी तो बताइए क्या सवाल है। सर, मेरा पिगमेंटेशन है 5-6 साल से, नोज भी हुआ था थोड़ा सा ना, मार्क पे। हाँ जी फिर धीरे 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 डार्क हो गया। तो मैंने समथिंग 1.5 साल पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर मैंने डाइट फॉलो करी। डाइट फॉलो कर मेरी डाइट प्लान बताती हूँ आपको। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और सिनेमन पाउडर लेती हूँ वार्म वाटर में, एंड अच्छा देन स्मूदी बनाती हूँ। स्मूदी में सब मेरा सिनेमन पाउडर होता है, चिया सीड्स होता है, फ्लैक्स सीड्स होता है और होता है पीनट बटर के 1 चम्मच होता है और 1 ग्लास दूध का होता है। जो भी सीजनल फ्रूट्स होता है कुछ भी वो ऐड कर लेती हूँ। वेरी गुड। उसके बाद से मैं रात रात को भिगोती हूँ चने, मूंग और बादाम, काजू, किशमिश, खजूर, ये सब मैं रात को भिगोती हूँ और सुबह मैं ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। वेरी नाइस। और उसके साथ थोड़ी देर बाद में, हाफ एन आवर बाद, कर्ड का बाउल लेती हूँ एक बड़ा सा। और सर, मैं घर पे सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मैंने बगीचा लगा रखा है, तो मैं घर पे करती हूँ सारा। अरे वेरी नाइस। सारा ऑर्गेनिक आपका है। हाँ, और सर मैं, हाँ, और घी, दूध, छाछ सब और घर का होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर, तेल वगैरह जो भी मूंगफली हो गई या फिर सरसों का तेल वगैरह सब हम लोग घर पे करते हैं, फिर उसका करवाते हैं। अच्छा, फिर सर, मैं लंच लंच के टाइम पे तो मैं स्टडी करती हूँ, तो लाइब्रेरी जाती हूँ, तो मैं खाना इतना अच्छा नहीं होता। दही होता है और चपाती होती है, सब्जी ऐड कर लेती हूँ जो भी बनती है घर पे। फिर शाम को मैं कोई ना कोई फ्रूट ले लेती हूँ या फिर मैं फिर से ये ले लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स की मुट्ठी ले लेती हूँ या फ्रूट्स हो अच्छा गया। और हाँ, मैं स्मूदी में एच के वाइटल्स का रेगुलर सर मैं प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ, समथिंग 1 साल हो गया। ठीक और पहले मैं ना फिश ऑयल लेती थी एच के वाइटल्स का रात को, और दोपहर में लेती थी मैं मल्टीवाइटमिन्स। अब मैंने वो बंद कर दिया। उसके बाद से मेरा ना लाइट हो जाता है और फिर ऑटोमेटिक डार्क हो जाता है नोज पे। ये देखो शायद फोन में इतना नहीं दिख अच्छा मुझे रहा। बताओ ये डाइट लेते कितना टाइम हो गया? सर मुझे हुए 8 मंथ, साल भर मान लो आप, तो साल भर ही हो गया। अच्छा, तो देखो आपकी डाइट तो बहुत अच्छी है। सीड्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सैलड्स भी ले रही हैं, बस थोड़ा सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल हाँ लेते हो आप? हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो थोड़ा लेते हो? हरी पत्तेदार थोड़ी कम ही लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत ले लो, कोई बात नहीं। कभी अगर परांठी बनाई आपने उसमें थोड़ा काट के डाल दो चलेगा। देखो थोड़ा सा जो मुझे लगा कि आपकी डाइट बहुत अच्छी, जितने लोग ले रहे हैं उनसे बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मुझे प्रोटीन का लगा। प्रोटीन का सोर्स थोड़ा सा बढ़ाओ, जैसे आपने कभी पनीर की सब्जी बना ली, कभी सोया चंक की सब्जी बना ली, थोड़ा सा आपने छोटे चम्मच आपने पीनट बटर ले लिया है ना, तो कभी कभी सत्तू आपने ले लिया, इस तरह से हो जाता है। और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बताओ। सत्तू सर मैं डेली लेती हूँ। सत्तू मैंने ना रोस्टेड चने उनको ग्राइंड कर रख के रखा हुआ है, तो मैं डेली लेती हूँ 2 चम्मच। 4 बड़े चम्मच ले लोगे तो आपको ऑलमोस्ट काफी प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोटीन के सोर्सेज आप बढ़ा लो। जो आपका प्रोटीन आपने बताया एच के वाइटल का जो आप लेती हैं, उसमें आई थिंक 1 स्कूप में 12 ना, उसमें टोटल, हाँ, तो कोशिश एक करो। स्कोप लेती हूँ मैं डेली का। तो ठीक है, वो भी चलेगा। वैसे तो उसमें थोड़ा प्रोटीन कम है, फिर भी आपकी ओवरऑल डाइट ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोटीन का कंटेंट ना बाकी डाइट से पूरा कर लो। थोड़ा सा कभी कभार स्प्राउट ले लिया आपने, जो बाकी चीजें बताई वो ले लिया,
आपकी ठीक ठीक है, थोड़ा प्रोटीन कंटेंट बढ़ाओ, बाकी आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। कैसे है फिजिकल एक्टिविटी? है मेरी मॉर्निंग में मेरी समथिंग 1 घंटा वॉक हो जाती है। अच्छा, वेरी गुड। शाम को मेरी मैं 3-3.5 किलोमीटर वॉक करके आती हूँ। अच्छा। और फिर रात को खाना खाने के बाद 15-20 मिनट फिर वॉक करती हूँ। चलो, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, डाइट थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है, थोड़ा सा प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा। आपको कोई और मेडिसिन तो नहीं चल रही है आपकी? कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में? डाइजेशन वगैरह ठीक है आपका? हाँ? कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में आपकी? कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही आपकी? और प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप ज्यादा स्ट्रेस वगैरह तो नहीं लेती है ना किसी चीज का? टेंशन तो नहीं लेती ना ज्यादा? हाँ? आप स्ट्रेस नहीं, तो नहीं लेती ना? स्ट्रेस तो नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। तो देखो आपके ना सब कुछ तो सही है, बस थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट बढ़ाओ। देखो कई बार क्या होता है ना, आपका जो पिगमेंटेशन होता है उसकी सिवेरिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वो ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा सिवियर होता है वो, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है चले जाने में। कई बार किसी को देखो 8 महीने लग जाते, किसी को 1 साल भी लग जाता जाने में। आई एम श्योर आपका पिगमेंटेशन चला जाना चाहिए। आप धूप में तो नहीं रहती है ज्यादा? धूप में तो नहीं रहती है ज्यादा? आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है। हेलो, आवाज आ रही? मैंने कहा आप धूप में ज्यादा तो नहीं रहती है? धूप में नहीं सर, मैं तो सारे दिन लाइब्रेरी रहती हूँ, सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक। ठीक है, ठीक है। तो आप बस इसी देखो डाइट को कंटिन्यू रखो, आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करो, टेंशन नहीं लेनी है, आई एम श्योर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कभी कभी आपको टाइम लग जाता है, ठीक है? रिजल्ट मिला है सर मुझे। हाँ, कितना मिला मुझे बताओ? 7%। हाँ, आवाज नहीं आ रही। 60-70%। देखो फिर तो अच्छा बात ना, आपको रिजल्ट मिल रहा है। बस ये है कि आप इसी को कंटिन्यू रखना है जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा अपना प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दो, आई एम श्योर बाकी का जो है वो भी ठीक हो जाएगा। आपकी मुझे लगता है शायद आपकी लास्ट स्टेज चल रही है पिगमेंटेशन की, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आप कंटिन्यू रखो, ठीक है? आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी। हैप्पी फॉर यू। चलिए कभी, थैंक यू सो मच, आप लाइव आई हूँ। देखिए इनकी डाइट बहुत अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, 60% रिजल्ट मिल गया है। आई एम श्योर इनको बाकी भी रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। कोई कह रहा मेरी आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो